हमें रेसिपी चाहिए तो आप नीचे हमें मतलब डब्बे में डाल दे, डब्बे में डाल देना। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पे बने हुए पनीर की पनीर रेसिपी। और अगर आप पनीर लवर है ना, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए वीडियो में चलते हैं। कौन से शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, आपका नाम आपके शहर के साथ जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सक। मेरे चैनल पे सबसे पहला थैंक यू जाता है मुस्कान खान को जयपुर से। थैंक यू मुस्कान। पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और उनको धोकर उबलने के लिए रख दिया है नमक डाल के। जब तक ये अच्छे से छिलका छोड़ देंगे तब तक हमें इन्हें उबालना है, और उसके बाद इनको गैस से हटाकर ठंडा कर लेना है। तो जब तक ये उबल रहे हैं तब तक यहाँ पर कढ़ाई रख के हम लोग पनीर को अच्छा सा सुनहरा सुनहरा सा फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर हमारे ऑलमोस्ट 80% पक गए हैं, बस 20% और पकाएंगे और गैस बंद कर देंगे। ये पनीर देखिए मैंने घर पे बनाया है और इतना अच्छा बना था ना, यकीन मानिए आपको बाहर वाला पनीर ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा एक बार आप घर पे बना लेंगे। तो इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आप चेक कर सकते हैं। तो पनीर हमारा सुनहरा हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट को बिल्कुल पानी से भर देंगे। पनीर डूब जाना चाहिए, इतना हमें पानी इसके अंदर डालना है, और हमारा पनीर जो है बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। और ये ट्रिक ज़रूर से आपके पनीर को बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा रखेगी, टाइट नहीं होने देगी। तो पनीर की कोई भी रेसिपी बनाओ ना, आप इस तरह से अगर फ्राई करके उसके अंदर डाल रहे हो पनीर, तो ज़रूर उसको पानी में पहले भिगो दें और उसके बाद ही आप उसको रेसिपी में यूज़ करें। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें हैं हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा और काली मिर्च। इसको तवे पर हमें बिल्कुल हल्का सा गुनगुना कर लेना है, और जब ये गुनगुना हो जाए, मतलब इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा धुआं आने लगेगा खलबट्टे में, इसको हम कूट लेंगे, पाउडर बना लेंगे, जैसा कि मैंने किया है आप वीडियो में देख सकते हैं। अब टमाटर का छिलका हटाएंगे, टमाटर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुनापन है इसमें, और प्लेट में निकाल के इसको मैश करेंगे अच्छे से, बिल्कुल बारीक बारीक सा। हम लोग इसको या तो सिलबट्टे में पीस लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से मैशर से मैश कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुटा हुआ सारा मसाला डाल देंगे, साथ में डाल देंगे हल्दी और धनिया जीरा काली मिर्च का मिक्स पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप कैसा मसाला खाना पसंद करते हैं, आपके घर में हल्का मसाला खाया जाता है या फिर तेज मसाला चटकारेदार खाया जाता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाला एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। बचे हुए तेल में हम लोग लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल के भून लेंगे, और उसके बाद ये मिक्स किया हुआ टमाटो प्यूरी में जो भी मसाला रेडी करके हमने रखा था वो डाल देंगे, पानी डाल देंगे ऊपर से, और इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पर बिल्कुल भूनना है, बढ़िया से इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला भून के तैयार होगा और तेल इसमें से जब अलग हो जाएगा, उतना ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मटर, ये हरी मटर है जिसको मैंने पहले ही अच्छे से उबाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये आराम से फूट गया है और बहुत बढ़िया उबला है। आप यहाँ सफ़ल मटर भी डाल सकते हैं, बट उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, वो तो एक इमरजेंसी वाली बात होती है कि जब टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप बाहर से मटर ले आइए और उसी मटर को इसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर से आप हरी मटर का ही यूज़ करिए, उसको छील के उबाल लीजिए और उसके बाद इसमें डालिएगा। मैंने पनीर को पानी से निकाल के डाल दिया है, अच्छे से मसाला पनीर और मटर को आपस में मिक्स करके मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला है। अब आप अपनी ज़रूरत देख लेना कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व करने वाली थी, तो इसीलिए मैंने इसको गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया है। अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं ना, तो थोड़ा पतला ही रखिएगा इसका रसा, गाढ़ा मत रखिएगा, नहीं तो खाने में आता नहीं है। और अगर आप पतला सा थोड़ा रखेंगे तो चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पनीर हमारा एकदम अच्छे से बन गया है। आप भी कमेंट करके बताओ कहाँ से आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, आपका नाम और आपके शहर का नाम, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। चलो आप भी ट्राई करो इस रेसिपी को, और आपके जैसे मेरे और बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करो, ताकि सब लोगों को इसका टेस्ट मिल सके, है ना। एकदम आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर अभी आपने नहीं बनाई ना तो फिर मेरी तो मेहनत बेकार है। आप ज़रूर बनाओ, खाओ और खिलाओ, इन्जॉय करो लाइफ में, और है ही क्या, खाते जाओ और खिलाते जाओ, बनाते जाओ। तो चलो लाइक कर दो वीडियो को। आज के लिए इतना ही, कुछ नया लेकर आती हूँ आपके लिए अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखना, और बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।